ये है, लेकिन मजा अब हमने सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर। सर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड माफ है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मैं तो फिर आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस, एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरन सेक्रेटरी को, शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है उनको नहीं बताते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था, फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो, एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लेवल में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये कि इस टाइप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें, शाह महमूद आप में और सोहेल, बस ठीक कल ही करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो क्योंकि वो पढ़कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है, और फॉरन सेक्रेटरी जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आ जाए, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहां से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो भैया तो फॉरन अच्छा ये तो ये सर।